मैडम, ये जो तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों मनाया जाता है? सावन मास में माता पार्वती की पूजा करी जाती है, उसे हरियाली तीज कही जाती है। इस दिन सुहागने पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। महिलाओं ने शांति से ही मना लिया तीज का त्योहार। लॉकडाउन ने सभी त्योहारों को पूरी तरह फीका कर दिया है। शबे बारात, रमजान, ईद, कावड़ के बाद अब तीज की खुशियां भी लॉकडाउन ने खत्म कर दी। आज महिलाओं ने तीज को भी अपने घरों में ही रहकर मनाया, मेहंदी लगाई और घरों में ही पूजा अर्चना की। शिनाया, आपने आज ये मेहंदी लगाई है, क्यों लगाई है? मेरे पापा आए ना। आपके पापा आए, कहाँ से आए पापा आपके? मैं कश्मीर से आए। कश्मीर से आए हैं, तो आपने उस खुशी में मेहंदी लगाई है। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं बेटा स्कूल में पढ़ती हूँ। स्कूल में पहले ग्रुप में पढ़ती थी, पहले में है। अच्छा अच्छा, मैडम ये जो तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों मनाया जाता है? सावन मास में माता पार्वती की पूजा करी जाती है, उसे हरियाली तीज कही जाती है। इस दिन सुहागने पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, घर घर में पकवान बनाए जाते हैं, उसे माता पार्वती भगवान शंकर जी की पूजा होती है, सदा सुहागन मांग करने का आशीर्वाद मांगा। मैडम जैसे कि बताया जाता है कि जो नए कपल होते हैं, जिनकी नई शादी होती है, वो लड़की अपने घर जाती हैं। हाँ, वो अपने पीहर जाती है, उनकी पहली चीज मायके में होती है। अच्छा, तो क्या उनके घर पे भी क्या मतलब रिवाज चलते हैं? उनके घर से सब ससुराल के लिए नया सामान सब आता है सुहागन का। पहले तीज उनकी मायके में होती है और सब पूजा का सामान उनका ससुराल के लिए आता है, सास के लिए। क्षमा पाठक, मैडम ये जो तीज का त्योहार है, आज आप यहाँ पर आए हो, मेहंदी लगाने आए हो, तो ये क्या इसकी विशेषता है, क्यों मनाया, किस लिए मनाया जाता है? ये एक्चुअली तीजों का त्योहार है ना, ये सावन की हरियाली तीज, ये शंकर पार्वती की पूजा की जाती है इसमें, गौरव की और सुहागिन औरतें इसको पूजा करती है। एक्चुअली इसे कुंवारी भी लड़कियाँ रखती हैं, ठीक है। इसमें पति की आयु के लिए लोग लगते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, सुहाग का सामान दान करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, इसलिए लोग मेहंदी।